मौत को चकमा देने का ख्याल हमेशा से इंसानों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है। इंसान ने इमोर्टल होने के लिए मजहब, दूर दराज प्लैनेट्स, जिस्म को फ्रीज करने की साइंस से लेकर हमेशा जवान रहने की इमेजिनरी स्प्रिंग समेत हर चीज को ही आजमाया है। जहां एक तरफ हम आसमानों, साइंस और दुनिया के तमाम कोनों की खाक छान रहे थे, वहीं इस दौरान इमोर्टल होने का राज हमारे आसपास ही कहीं समंदर में तैर रहा था। और ये राज जेलीफिश की शक्ल में था। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में इसकी जो तस्वीर निकल कर आती है वो इसकी जिंदगी की दूसरी स्टेज होती है, जिसे मेड्यूसा कहते हैं। जिंदगी की इस स्टेज में जेलीफिश धुंधले से तैरते हुए गुब्बारे की शक्ल में गुजारती है, जिसके कई डंग होते हैं। जेलीफिश अपनी जिंदगी का आगाज लार्वे से करती है, जो सिगार की शक्ल जैसी छोटी छोटी मखलूक होती है और ये पानी में हर तरफ तैरती रहती है। ये किसी समंदरी चट्टान ये किसी दूसरी सख्त चीज की तलाश में होती हैं ताकि इनसे चिपक सकें। ये लार्वे किसी चट्टान या किसी दूसरी सॉलिड चीज से पूरी तरह चिपक कर पल्प की शक्ल में ट्रांसफर हो जाते हैं। जल्दी इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनके कई एक कॉलोनीज बन जाती हैं। कुछ तो पल्प देखने में झाड़ियों की तरह भी लगते हैं। कुछ अरसे बाद जब इन्हें इनका मनपसंद हालात मिलते हैं तो ये बड़ी तादाद में फलने फूलने लगते हैं और इसके बाद इन पल्प्स में से छोटी छोटी जेलीफिश निकलती हैं। जेलीफिश की जिंदगी का आगाज अगर ज्यादा हैरान कुन नहीं है, लेकिन इनकी मौत वो स्टेज जरूर है जहाँ सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब इमोर्टल जेलीफिश मेडूसा मरती है तो इसकी लाश डूबकर समंदर के फर्श पर जा गिरती है और गलने लग जाती है। हैरान कुन तौर पर इसके सेल्स दोबारा जमा होने लग जाते हैं। ये एक नई मेडूसा तो नहीं बल्कि पल्प बनाने लगते हैं। इन पल्प से नई जेलीफिश का जन्म होता है। इस तरह जेलीफिश की लाश से नई जेलीफिश पैदा होती है, लेकिन इस मर्तबा वो लार्वे वाली स्टेज से गुजरे बगैर ही पैदा हो जाती है। ये एक चकरा देने वाली डिस्कवरी है और सिर्फ यही इमोर्टल जेलीफिश नहीं है जो अपने ही बाकियात में से जन्म लेती है। इसी तरह मरीन बायोलॉजी के भी एक स्टूडेंट ने एक टैंक में मोन जेलीफिश को रखा। जब वो जेलीफिश मर गई तो इसने इसे दूसरे टैंक में डाल दिया। 3 महीने के बाद इस मोन जेलीफिश के ऊपर एक पल्प नजर आने लगा। दोबारा जिंदा होने का ये प्रोसेस अब जेलीफिश की 5 स्पीशीज में देखा जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इमोर्टल जिंदगी के अलावा जेलीफिश को इसका क्या फायदा है, वो ऐसा क्यों करती है? इसका यही मतलब है कि जब वो ज्यादा उम्र या किसी बीमारी या किसी खतरे के नतीजे में कमजोर पड़ती है तो वो अपने सर्वाइवल सिस्टम को यूज करती है। जैसे ही दोबारा जिंदा होने का प्रोसेस शुरू होता है वो इसके ऊपर का पैराशूट जैसा हिस्सा और डंग गलने लगते हैं। ये दोबारा पल्प की शक्ल में आ जाती है और नए सिरे से जेलीफिश बनना शुरू हो जाती है। तो जेलीफिश मरने और दोबारा जी उठने का ये सिलसिला बार बार जारी रख सकती है। इस दौरान जेलीफिश जिस एक्सपीरियंस से गुजरती है इसके एक हिस्से को सेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस में सेल्स एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज होकर एक बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल प्लान के काम करने लगते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी तक जेलीफिश और इंसान के इमोर्टल होने के दरमियान किसी लिंक को नहीं देख सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में किसी तरह का जेनेटिक लिंक बनाना पॉसिबल ही ना हो। क्या मालूम कि जेलीफिश के कुछ जीन्स के जरिए हम सब डॉक्टर ही बन जाएं और जब हम अपने आप से उकता जाएं तो खुद एक नई शक्ल में सामने आ जाएं।